अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? खैरियत से? मैं हूँ अभी मॉल ऑफ अमृत में। ये मॉल मेरी लोकेशन जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके बिल्कुल सामने। इनफेक्ट जो मेरा रास्ता पड़ता है सुबह ऑफिस जाने का, मेट्रो स्टेशन का नाम भी मॉल ऑफ अमृत है। और मैं जब निकलता हूँ ना ऑफिस के लिए, तो ये मेट्रो का रास्ता मॉल के अंदर से होके गुजरता है, वापसी भी मॉल के अंदर से होके आता है। तो रोज़ाना का यहाँ से आना जाना होता है। तो अभी सीन ये था कि सुबह नाश्ता नहीं किया था, छुट्टी का दिन था सुबह सुबह, तो मैंने सोचा आज कुछ अपने आप को ट्रीट दी जाए। हम अपने आप को ट्रीट देंगे आज, तो आज हम फास्ट फूड खाएंगे अलबेक का। और इसकी दुबई में बहुत कम ब्रांचेस हैं। दुबई असल में ये है सऊदी अरब का ब्रांड है और फास्ट फूड का, और बहुत मशहूर है। जहाँ पे ये ब्रांड की वो होती है ना ब्रांच, वहाँ पे ना KFC चलता है ना मैकडोनल्ड चलता है। सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ है सिर्फ आपको अलबेक पे मिलेगा। मैं भी जाऊँगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी आउटलेट के सामने, और कोई और आउटलेट इतना नहीं चलता। दूसरा ये कि शेयर करूँगा क्या खा रहा हूँ मैं आज। सुबह नाश्ता नहीं किया था, मेरा लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, तो ब्रंच हो जाएगा। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा मैं खुद। रश रश देखो रश। ओए ओए, यहाँ पे जो रश लगा हुआ है, मतलब मेरा नंबर तो काफी देर में आएगा। भाई बहुत रश है और नंबर तो मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा लग जाएगा। 30 to 45 minutes will take, आई गेस। ये मैंने दो बर्गर लिए, भूख ज़्यादा थी इसलिए। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि कॉस्ट अफेक्टिव भी है और टेस्ट KFC और मैकडोनल्ड से आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्वालिटी और टेस्ट। मैकडोनल्ड और KFC से आपको अच्छा मिलेगा। और कॉस्ट ये है कि जो ये मैंने दो बर्गर लिए ना, मैंने लिए 15 दिरहम में, इतने में बाहर रोटी सालन मिलता है एक टाइम का। तो या और ये दो बर्गर की कॉस्ट पाकिस्तान में तकरीबन KFC का आपको मिलेगा, ये वाला बर्गर इस टाइप के तकरीबन 1500 में, और यहाँ पे ये मुझे 1200 के पड़े दो बर्गर। तो ये ट्रीट सिर्फ मेरे लिए, आप लोग सिर्फ देखें, बेहतरीन थम्स अप। और KFC देखो, KFC और आगे मैकडोनल्ड खाली पड़े हुए।